झरिया में बारातियों पर कुछ दबंगों ने किया मारपीट, कई बाराती घायल, दूल्हा सहित बाराती भाग निकला। पुलिस ने दूल्हा को खोज कराई मंदिर में शादी। झरिया के शिमला बहाल के एक शादी समारोह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाराती द्वाल लगने वाला था। डीजे के धुन पर बारात आ रहे बारातियों पर कुछ दबंग लोग टूट पड़े, फिर क्या, शादी का माहौल मातम में बदल गया। बाराती और दूल्हा भाग निकले। धनबाद बोरागढ़ ओपी क्षेत्र के शिमला बहाल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब शिमला बहाल के रहने वाले नरेश विश्वकर्मा की बेटी की बारात उसके घर पहुंची रही थी कि डीजे पे नाच रहे बारातियों पर स्थानीय कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। बारातियों को इतनी बुरी तरह पीटा कि कुछ बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए और बाकी बाराती भागकर अपनी जान बचाई। शादी में लगाए गए डेकोरेटर का सामान भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही बोरागढ़ ओपी के पुलिस मौके पर पहुंचे और बारातियों को ढूंढने में लगे। तभी झरिया के कतरास मोड़ के पास कुछ बाराती और दूल्हा मिला। पुलिस और कुछ स्थानीय सामाजिक लोगों ने काफ़ी समझाने का प्रयास किया पर सभी ने शिमला बाहर जाने से इनकार कर दिया। फिर किसी तरह से दुल्हन को झरिया के दुखहरणी मंदिर में लाया गया, फिर जाकर पुलिस वाले की मौजूदगी में शादी कराया गया और वहीं से लड़की को विदा भी किया गया। आखिर लड़की का क्या कसूर था? वही दुल्हन के घर वाले ने सुबह से ही इस मारपीट की शिकायत स्थानीय में दर्ज कराई। फिलहाल लड़की के घर वाले पुलिस प्रशासन की गुहार लगा रही है कि ऐसे दबंगों पर कार्रवाई करें ताकि भविष्य में किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। गौरी नारायण नमस्ते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायतनो हरे। ओम अक्षतम समर्प्यामि ओम अक्षतम समर्प्यामि। जय नबंधु राजा धाम इच्छा काम माचल माचल सर्व मंगल मांगल्य श्री विश्वासादि विषय नेत्रंबिके गौरी। डीजे बारात आ रहा था, डीजे लाइट भेजे और डीजे लाइट भेजने के बाद में मतलब उन लोग भी डांस कर रहा था, उन लोग का ठेल करके आए ज्यादा लोग डांस करने लगा और मारपीट इसी में होने लगा। सब राइस लाइट के जो डंटा जो है से खींच करके उन लोग के मारने लगा। मेरा दामाद के मारा उसको जो अथी था जो मतलब बाराती पार्टी था उसको भागना के मार करके एकदम आज हुआ कर दिया कि कोई हॉस्पिटल वाला नहीं ले रहा।